सुनिए, मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ। त्रिलोक कपूर, मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, केएल सहगल, नानू भाई वकील, केदार शर्मा, खुर्शीद, रूबी और सुलोचना। ये नाम नहीं रुकने वाले। ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने प्रारंभिक सिने सृष्टि को रूपरेखा दी है, जिनके बदौलत आज भी बॉलीवुड है। वो बात अलग है कि आज के बॉलीवुड वालों ने कपूर को छोड़ किसी को महत्व नहीं दिया। पर इन सभी बातों को नजरअंदाज कर अगर आपको पता चले कि ये सभी नाम सिर्फ एक नाम से जुड़ा है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तमाम लोग थे जो रणजीत स्टूडियो से जुड़े थे। यहाँ तक जब सहगल साहब मुंबई आए, तब रणजीत स्टूडियो में ही उन्होंने अपना डेरा लगाया। सिर्फ सहगल साहब नहीं, पृथ्वीराज कपूर भी रणजीत स्टूडियो के ही प्रोडक्ट है। खैर, पर ये रणजीत स्टूडियो को जिसने खड़ा किया, उस गौहर मामा जी वाला की कहानी आज मैं आरजे अनु आपको सुनाने वाली हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। सबसे पहले आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये रणजीत स्टूडियो तो चंदूलाल शाह का है, तो ये मैडम किस गौहर की बात कर रही हैं? इसका सटीक जवाब ये है कि वो गौहर ही थी जिसके दम पर चंदूलाल साहब ने रणजीत स्टूडियो को खड़ा किया था। चंदूलाल और गौहर मियां बीवी थे। वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। गौहर मामा जी वाला ये वो नाम है जो ना ही एंग्लो इंडियन थी और ना ही किसी तवायफ से आई थी, क्योंकि उस जमाने में पढ़े लिखे खानदान से कोई अभिनेत्री का प्रवेश शायद ही होता था। पर गौहर वो अभिनेत्री रही हैं जो एक पढ़े लिखे अमीर खानदान से थी। 19 नवंबर 1910 को सूरत में जन्मी गौहर खयाम मामाजी वाला एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखती थी। एक दिन उनका पारिवारिक व्यापार डूब गया और सब सड़क पे आ गए। ऐसे में मशहूर डायरेक्टर होमी मास्टर ने गौहर के पिताजी को कहा, देखिए गौहर से एक्टिंग करवाओ, थोड़े पैसे आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह 1924 से गौहर का फिल्मी सफर दौड़ पड़ा। दिलकश एक्टिंग से मात्र 4 साल में गौहर मामा जी वाला ये नाम मिस गौहर में बदल गया, क्योंकि 1926 में जब बाप कमाई ये फिल्म रिलीज हुई, तब बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे और गौहर रातों रात फेमस हो गई। 1925 का दौर 3 अभिनेत्रियों के लिए जाना जाता है, गौहर, रूबी उर्फ सुलोचना और तीसरी दुर्गा खोटे। रूबी जी की कहानी सुनने के लिए ऊपर आए आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। उनकी कहानी बेहद खूबसूरत है और आपको जरूर सुननी चाहिए। ये 3 अभिनेत्री एक साथ एक फिल्मों में दिखती थी, या ये भी कह सकते हैं कि ये अभिनेत्रियां भारतीय फिल्म जगत की शान है, जिनकी रोशनी आज बुझ गई है। बाप कमाई फिल्म के बाद गौहर की पहचान चंदूलाल शाह से हुई। फिर यहाँ से 1926 से 1940 तक 65 फिल्मों का सफर शुरू होता है, जिनमें आधी फिल्में साइलेंट थी और आधी बोलपट। घर जमाई, शिरीन फराद, विश्व मोहिनी, सोनी महिवाल, राजपुतानी, पहाड़ी कन्या, राधा रानी, तूफानी तरुणी और अछूत जैसी जबरदस्त फिल्में शामिल हैं। 1940 की अछूत फिल्म बेहद बड़ी हिट रही, पर यही उनके जीवन की आखिरी फिल्म रही। गौहर के खूबसूरती का आलम यहाँ तक था कि हर जगह विज्ञापन में इन्हीं की तस्वीरें दिखती थी। 1929 में गौहर और चंदूलाल ने रणजीत स्टूडियो की स्थापना की, जहाँ से आधुनिक फिल्म जगत की शुरुआत हुई। गौहर ने फिल्म जगत पर जो एहसान करे थे, उन एहसानों का बदला बॉलीवुड वालों ने बड़े कायरता से लिया। जब 28 सितंबर 1985 में मिस गौहर ने आखिरी सांस ली, तब एक हफ्ते तक किसी को कानों कान खबर नहीं लगी कि जिसके एहसानों पर फिल्म जगत कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, वो मिस गौहर अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ तक भारत सरकार ने भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया, पर गौहर के साथ रहने वाली रूबी जी और दुर्गा जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।